नमस्कार, मैं हूं शिवम तनेजा और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति अभी से बन चुकी है और चुनावी बिसात के लिए मोहरे भी बिछाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब शुरुआत हो गई है पोस्टर्स के जरिए जनता को रिझाने की। इस बार समाजवादी पार्टी का फोकस सीधे जनता पर है, जिसके लिए प्रचार शुरू हो गया है। सपा के लखनऊ कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें पार्टी ने युवाओं को 10 लाख नौकरी और यूपी में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। सपा कार्यालय के बाहर लगे इन पोस्टर्स में पार्टी के सभी बड़े नेताओं की तस्वीर है। मुलायम सिंह यादव समेत पार्टी के अन्य नेता इस पोस्टर्स में हैं। सपा ने नारा दिया है, पूरे किए थे वादे, अब हैं नए इरादे। पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर साफ इशारा कर रही है कि जिस तरह दिल्ली की जनता ने फ्री वाली राजनीति को पसंद किया, अब यूपी में भी समाजवादी पार्टी लोगों को बिजली फ्री देगी और युवाओं को नौकरी मिलेगी। सपा इस बार अलग रणनीति से चुनावी मैदान में है। अब वो चुनावी मैदान में उतरकर लगातार जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है और इसका जरिया बनाया है पोस्टर को। और पोस्टर से साफ हो गया है कि जहां एक तरफ बीजेपी शासनकाल के दौरान बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाया जा रहा है, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सपा बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है, वहीं युवाओं और आम जनता के मुद्दों को ध्यान में रखकर उस पर मंथन किया जा रहा है। सपा का कहना है कि अखिलेश राज में जिस तरह यूपी के विकास ने एक नई रफ्तार पकड़ी थी, अब वो विकास पटरी से उतर चुका है और अब दोबारा इस विकास को नए रास्ते पर लाकर नई उड़ान वो भरेंगे, जिसे लेकर उनका नया नारा है, पूरे किए थे वादे, अब हैं नए इरादे, जिसके पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं।